हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का WW2K24 के एक और नई गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो भाई आज का हमारा मैच होने वाला है 3-on-3 टैग टीम मैच का, जिसमें भाई खतरू टीम के अपोनेंट हो गए कोडी रोस, डेमन प्रिस्ट और सैमी जेन। तो भाई ये तीनों रसलमीनिया में बने थे न्यू चैम्प, तो भाई यही आज खतरू टीम के साथ लड़ेंगे। और अभी जो अपनी खतरू टीम है वो प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास आ चुके हैं कोबॉय ब्रॉक लेसनर। तो भाई इस बार भी भाई इनकी एंट्रेंस जो है वो कुछ अलग लेवल की होगी, और मैं चाहता हूँ कि अभी जो कोबॉय ब्रॉक लेसनर इस टीम के अंदर जुट चुके हैं, प्रॉपर खतरू टीम बन चुकी है। तो अभी इस टीम को हराना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोबॉय ब्रॉक लेसनर आप ओवरऑल देख सकते हो, और मैं बोलता हूँ कि धमाकेदार तरीके से भाई इनका अगर कमबैक हो जाए 2K24 में तो भाई मजा आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के भाई मैच की करते हैं शुरुआत। तो भाई जो भी बंदा वीडियो के अंदर आ चुका है, सबसे पहले तो भाई लाइक कर लो, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो हमारे ऐसे ही मजेदार गेम प्ले रेगुलर देखने के लिए। तो भाई जो अभी आ रहे हैं कोडी रोड, जेमिन प्रिस्ट और इनकी एंट्रेंस जो है वो मैं स्किप कर दूंगा, हम यहाँ पे एंट्रेंस दिखाएंगे ओनली खतरू टीम की। ओके तो भाई अभी आराम से स्किप करना पड़ेगा, देखते हैं भाई सैमी जेन ही है ना, एक मिनट चेक करने दो। हाँ भाई सैमी जेन ही है, तो अभी वाली एंट्रेंस हम नहीं करेंगे यहाँ पे स्किप। चलो भाई तो देख के समझ ही गए होंगे कि भाई ये एंट्रेंस किसकी है। भाई लेजेंडरी एंट्रेंस हमारी वाइट फैमिली की, तो भाई जच रही है इनके ऊपर। रोमन देखो भाई, ब्रॉक देखो आप, और ब्रॉक कमेंट में बताना कि भाई ये वाले ब्रॉक आपको कैसे लगे कम्युनिटी क्रिएशन में। भाई आखिरकार आ ही गए कोबॉय ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर पीछे से भाई चेयर पकड़ के आ रहे हैं। हाँ भाई, क्योंकि एक बंदा चेयर पकड़ के आता है पीछे से, तो भाई दिख रहा है यहाँ पे ब्रॉक ने पकड़ी हुई है। चलो भाई ब्रॉक ने चेयर कर दी आगे। रोमन जोश में, भाई रोमन गुस्से में नहीं आए भाई, ब्रेवेट तो गुस्से में आ जाते हैं ना अचानक से। अच्छा लैंप बंद करने के बाद आएंगे। आ गए भाई जोश में, सही है भाई। रोमन के ऊपर जच भी रहा है, लंबे बाल भी है ना। अगर ये सीना और ब्रॉक ये वाला रोल प्ले कर रहे होते तो भाई जचता नहीं इनके ऊपर, और रोमन के ऊपर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है ब्रे वाइट का रोल। ब्रॉक के बारे में कमेंट में जरूर बताना भाई, ये कैसे लगे आपको। तो भाई एंट्रेंस हो चुकी है खत्म, रोमन रेंस और कोडी रोड्स करेंगे इस मैच की शुरुआत। तो भाई आते ही यहाँ पे लग चुका है स्पेयर, तीन तीन फिनिशर हमने दिए हुए हैं, नॉकआउट है ओनली, पिन सबमिशन नहीं है, क्योंकि हम 3-on-3 या 4-on-4 के मैच में ओनली नॉकआउट रखते हैं, उसमें पिन सबमिशन नहीं रखते। और ये दूसरा फिनिशर कोडी रोड्स ने, भाई दो फिनिशर तो यहाँ पे सर्वाइव कर लिया भाई कोडी रोड्स का। भाई एक और यहाँ पे परिचय है, क्योंकि इन्होंने रेसलमेनिया में तो रोमन को हरा ही दिया था, बहुत सारे लेजेंड आए थे उस मैच में, अभी तो 1-on-1 चल रहा है भाई रिंग के अंदर। तीसरा फिनिशर लगा रोमन ने, बैक टू बैक तीन फिनिशर लगाए, तीसरा फिनिशर तो भाई तकरीबन रिवर्स हो जाता है, पर यहाँ पे नहीं कर पाए कोडी रोड्स। रोमन को भी लग चुका है यहाँ पे फिनिशर डेमन प्रिस्ट की तरफ से, पर फिलहाल भाई ये तो नॉकआउट हुए नहीं। अगर कोडी रोड्स तीन फिनिशर सर्वाइव करेंगे तो रोमन भी भाई एटलीस्ट 2 या 3 तो करेंगे जरूर, मैं तो बोलता हूँ 4 फिनिशर सर्वाइव करना चाहिए रोमन को। और उससे पहले तो मैं बोलता हूँ टैग दे दो, डेमन प्रिस्ट जा रहे हैं भाई टॉप रोप के ऊपर। डेमिन का कोई टॉप रोप पे कोई फिनिशर वगैरह है क्या, देखना पड़ेगा। कूद गए हैं भाई इनके ऊपर, चलो फिनिशर तो नहीं पर इंपैक्ट तो पहुंचा रहे हैं रोमन को। सैमी जेन भाई, सैमी जेन का फिनिशर तो भाई सबको पता है यार, माना कि इनको ओवर इतना मर्जी हो, इनका फिनिशर ना तकरीबन रिवर्स ही नहीं होता। अगर इन्होंने अपने फिनिशर की जड़ी लगा दी तो रोमन को एलिमिनेट करके जाएंगे। रोमन लगाओ यार, कुछ भी मूव लगाओ और टैग दे दो आप, चाहे सीना हो चाहे ब्रॉक लेसनर, किसी एक को टैग दे दो। और टैग देने का टाइम आ गया था, पर ये 2K24 का ग्लिच, भाई ये 2K24 का ग्लिच नहीं है, ये तो 2K22 से चलते आ रहा है। बंदा भाई ड्रैग करके लेके जा रहा होता है, पर कॉर्नर पे फेंकता ही नहीं है, बस चलते ही रहता है, तो उतने में बंदा दूसरा छुड़ा लेता है खुद को। इसको मिलेगा टैग ब्रॉक लेसनर को। तो भाई ये ब्रॉक लेसनर पूरे ना, मुझे जो भी लेटेस्ट लास्ट जो ब्रॉक लेसनर की फाइट हुई थी कोडी रोड्स की, वैसे ही लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनका उस टाइम पे शरीर बॉडी जो है वो थोड़ी हैवी हो गई थी, देखने में भी भाई थोड़े मोटे लग रहे थे, इतने ज़्यादा नहीं, मतलब फिजिक्स के हिसाब से ब्रॉक लेसनर सही लगते हैं, पर इतना लग रहा था कि पहले के टाइम से ना थोड़े हैवी हो गए थे। तो भाई इसमें भी थोड़े हैवी ही हैं ये। और यहाँ पे सैमी जेन को भाई दो फिनिशर लगा के ब्रॉक लेसनर ने एलिमिनेट कर दिया, और एक फिनिशर हुआ।
अभी डेमियन प्रिस्ट भाई अकेले एलिमिनेट नहीं कर सकते। मैंने पहले बोला था कि भाई ये कोक बॉय ब्रॉक लेसनर भाई ये नहीं मतलब छोड़ेंगे किसी को भी, क्योंकि अभी तो खतरों टीम में प्रॉपर हुई है, कंप्लीट हो गए भाई अभी, क्योंकि पहले 20 ब्रॉक तो भाई खतरों टीम में ज्वाइन हुए ही नहीं थे, वो तो हम ऐसे भाई काम चलाओ कर रहे थे क्योंकि हमारे पास कोक बॉय ब्रॉक लेसनर थे ही नहीं। पर अभी कोक बॉय ब्रॉक लेसनर आ चुके हैं तो हम इन्हीं को भाई इस टीम में यूज़ करेंगे आगे जितने भी मैच होंगे। बाकी आप कमेंट में बता देना कि कोक बॉय ब्रॉक लेसनर ही चाहिए आपको खतरों टीम में या फिर 20 ब्रॉक, तो आप मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे फिनिशर लगाने का ट्राई किया डेमियन प्रिस्ट ने, ब्रॉक ने कर लिया रिवर्स। मैं तो चाहता हूँ ब्रॉक ये वाला मैच खत्म कर दे, जॉन सीना को भाई यहाँ पे टैग ही ना मिले। और ये देखो F5 सेकंड टाइम यहाँ पे, दूसरी बार भी रिवर्स नहीं हुआ। ब्रॉक के पास है कुछ, अरे फिनिशर आने वाला है, टैग मत देना, थोड़ी सी पिटाई करो आ जाएगा। पर मुझे पता यार ये टैग देंगे सीना को, चलो कोई बात नहीं। मैं सीना ये देखो ये ग्लिच की जो मैं बात कर रहा था, फाइनली भाई यहाँ पे टैग दे दिया है सीना को। पर मुझे लग रहा था कि ऐसा ही हो जाएगा, डेमियन प्रिस्ट खुद को छुड़ा लेंगे। सीना सुपर फिनिशर लगा, मुझे मन कर रहा है कि सीना सुपर फिनिशर लगा के स्मैक को ख़त्म करें। है तो है, अरे यार सुपर फिनिशर की तैयारी करी थी पर यहाँ पे रिवर्स कर लिया डेमियन ने। अभी डेमियन के पास एक फिनिशर आ चुका है और सिग्नेचर वे उनके पास है, तो सीना को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। वैसे टॉप रोप पे इनका कोई फिनिशर है क्या? शायद सुपर फिनिशर है इनका टॉप रोप पे, पर अभी तो उनके पास तीन फिनिशर है ही नहीं है। तो सीना लगा दो भाई, ये क्या सीना ने भाई लगा दी यहाँ पे एक और ए, अरे अलग अलग टाइप के यहाँ पे दिए हैं भाई इनको ए लगाने के तरीके। तो भाई सीना ने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया डेमियन प्रिस्ट को। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को मैच भाई कमेंट में जरूर बताना। मैच तो भाई पूरा का पूरा यहाँ पे रोमन ने उसी टाइम पे पलट दिया था जब कोडी रोज को तीन फिनिशर लगा के एलिमिनेट करा था, बस सैमी का थोड़ा सा खतरा था, उससे भाई ब्रॉक ने बदला ले लिया। तो इसी के साथ भाई खतरों टीम इजी कर गई। अभी दो कमेंट में जरूर बताना ब्रॉक ये वाले चाहिए कि दूसरे, मुझे तो लगता है सारे बंदे इन्हीं का बोलेंगे। तो वीडियो तो भाई कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।